ऐसे देखिए, जब भी डाइट का इस्तेमाल करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए. बैलेंस डाइट से मुराद ये है कि उसमें गोश्त भी हो, सब्जियाँ भी हों, दालें भी हों, सारे फूड एलिमेंट्स जो हैं वो हों. तो ये ईद के अब कुछ दिन जो छुट्टियों के, और ईद के दिन सिर्फ गोश्त ही अगर आप खाएंगे तो यकीनन वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा. बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, मसले मसाइल हो सकते हैं. जैसे कि क्या क्या होता है? सब सर फहरिस्त देखें जी, पेट के मसले, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं. या बहुत क्या मतलब, क्या मतलब कि आप बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर लिया है गोश्त, आपकी बॉडी उसको हजम नहीं कर पा रही है, और उसके बाद आपको मोशन या डायरिया, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. बिल्कुल. तो बजाय इसके कि आप खा लें और बाद में बीमार हो जाएं और आपके डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं और ईद आपकी ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ ज़रा एहतियात कर ली जाए. और सेकेंडली, जिसे हम लोग डील करते हैं, मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, हड्डियों और जोड़ों के प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ, उसमें एक गोश्त की ज्यादती से उसके बाद पेशेंट्स यूरिक एसिड के मसले के साथ आना शुरू हो जाते हैं. और इससे क्या सिम्टम्स? और यकीन करें, ये काफ़ी तकलीफ दे प्रोसेस होता है. यूरिक एसिड की जो बीमारी है, पेशेंट के जोड़ बहुत दर्द करते हैं, सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, शदीद तकलीफ में होता है पेशेंट. कोई भी जोड़, आमतौर पर ये पाँव के जोड़ों से स्टार्ट होता है, लेकिन कोई भी जोड़ अफेक्ट कर सकता है. तो बजाय इसके कि आप तकलीफ़ का शिकार हों और आपको मसला हो और आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े, दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़े, आप पहले ही स्टेप में थोड़ी सी एहतियात रखें, मियाना रवि रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा. लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जितने जैसे मेरे वालिद साहब हैं, मेरी नानों हैं, वो कहते हैं कुर्बानी गोश्त से कुछ नहीं होता. जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जितने भी, वो कहते हैं जी ये तो जितना खा लें ये तो सवाब की तरीके हम लोग खा लेते हैं. यकीनन ये सुन्नत इब्राहिमी है, आप लोग को चखना चाहिए, आपको उसको इंजॉय करना चाहिए, पर सिर्फ ये सोच के लोग खा लेते हैं कि इस वाले गोश्त से कुछ नहीं होता. क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं जी, गोश्त तो गोश्त है, अब चाहे वो कुर्बानी का है या आम दिनों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी को तो नहीं पता कि कौन सा वाला ऐसा है. और देखिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हजम करने के लिए भी तो आपका एक ही मैदा है, उसने उसको डाइजेस्ट करना है. तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा ताकि आपकी ईद अच्छी गुजर सके, आपके प्यारों की ईद अच्छी गुजर सके. छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं, अगर इनके ऊपर ध्यान किया जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी. डॉक्टर सादिया, अभी जिस तरह से आपने